देखिए मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स यहाँ पे बनाया गया है सेल्फी फोटोज क्लिक करने के लिए। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, नीचे देहरादून दिख रहा है, थोड़ी धुंध होने के कारण थोड़ा धुंधला दिख सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए केदारनाथ का दृश्य दिखाया गया है, बहुत ही बेहतरीन। कल का मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बर्फबारी हुई नहीं। और मौसम देख लीजिए, धूप निकल गई है पूरी। यहाँ से नाश्ता वगैरह कर सकते हैं आप, ब्रेड चाउमीन आराम से मैगी वगैरह खा सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आर्जेनियस व्लॉग्स। मैं हूँ रज और इस वक्त मैं हूँ पहाड़ियों की रानी मसूरी में। पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स लिखी हुई है और मैं आपको इस वीडियो में मसूरी का पूरा दृश्य दिखाने वाला हूँ, साथ ही आपको मसूरी घुमाऊंगा भी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ घूमिए पहाड़ियों की रानी द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हम लोग अभी मसूरी पहुंच गए हैं और ये है मसूरी का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, जो भी बोले। जब भी आप देहरादून से निकलेंगे मसूरी के लिए तो यही वो जगह है जहां पे आपको टैक्सी या बस छोड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ टैक्सी ही टैक्सी लगी है, वहाँ बसेस भी लगी हैं। यहाँ से आप मसूरी का व्यू देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा। चलिए आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, छोटा मोटा नाश्ता वगैरह करना है तो नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ से सारी दुकानें यहाँ पे उपलब्ध हैं। देख सकते हैं सारी होटल रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ से आप नाश्ता वगैरह करके घूमने निकल सकते हैं अपने सामान होटल रूम में छोड़ के। होटल भी आपको किफ़ायती रेट में मिल जाएंगे, 1000 तक में आपको वन नाइट के लिए होटल वगैरह मिल जाएंगे। मैंने जो होटल लिया है वो मुझे 900 में पड़ा है एक दिन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मसूरी का मेन चौराहा है जिसे लाइब्रेरी चौक कहते हैं, मसूरी लाइब्रेरी चौक। ये सामने आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप स्कूटी वगैरह भी रेंट कर सकते हैं और साइड सीनिंग के लिए, मसूरी के साइड सीनिंग के लिए स्कूटी रेंट करिए और आराम से पूरे दिन के लिए आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आए हुए हैं। का मौसम बहुत ही ख़राब था, अभी सुबह सुबह धूप निकलने के कारण काफ़ी अच्छा हो गया है मौसम। कल ऐसा लग रहा था कि स्नोफॉल हो सकता है लेकिन स्नोफॉल हुआ नहीं यहाँ पे। और ये होटल रूम, तो ये आप देख सकते हैं, ये है लाइब्रेरी चौक, फेमस चौक है, यहाँ से माल रोड शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और मैं आपको बता दूँ कि आज 26 जनवरी भी है और वसंत पंचमी भी। चलिए यहाँ से आपको व्यू दिखा सकते हैं, काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ से व्यू, देखें आप मसूरी का बेहद खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो
चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, नीचे देहरादून दिख रहा है, थोड़ी धुंध होने के कारण थोड़ा धुंधला दिख सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए हैं। ये बैठने के लिए, साइड सीनिंग के लिए, साइड का व्यू देखने के लिए ये बैठने के लिए बनाया गया है। गांधी जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, ये गांधी चौक कहते हैं और लाइब्रेरी चौक भी कहते हैं। यहाँ से नाश्ता वगैरह कर सकते हैं आप, ब्रेड चाउमीन आराम से मैगी वगैरह खा सकते हैं। यहाँ से आप माल रोड जा सकते हैं, माल रोड का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यही रास्ता है जो माल रोड के लिए जाता है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं और मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, ये देखिए। अभी हम मसूरी के माल रोड में हैं, यहाँ आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी, देख सकते हैं। शॉपिंग के लिए ठंड ठंड के दिनों में गर्म कपड़ों के लिए यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे आपको नाश्ते के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए ये सारी कलाकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे देखिए केदारनाथ का दृश्य दिखाया गया है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे जगह जगह बैठने के लिए ये सब बनाया गया है ताकि अगर आप थक जाए तो यहाँ बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आप देखिए मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स यहाँ पे बनाया गया है सेल्फी फोटोज क्लिक करने के लिए, देखिए बेहद खूबसूरत लग रही है।
मसूरी को पहाड़ियों की राजधानी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे बनाया गया है मसूरी को। यहाँ पे लोग सेल्फी फोटोज वगैरह लेते हैं, एक निशानी है कि हम मसूरी आए थे। बाकी आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं जो कि बेहद खूबसूरत व्यू है और आपका मन मोह लेगी। एक बार मसूरी आना तो बनता है कम से कम इस व्यू के लिए। कल का मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बर्फबारी हुई नहीं। और मौसम देख लीजिए, धूप निकल गई है पूरी।